राष्ट्रवाद के इतिहास में आम तौर पर एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरी बाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से हो ची मिन को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। ये भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। मोहनदास करमचंद गांधी। विदेश में दो दशक तक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहां वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि कई इतिहासकारों ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 के भारत से काफी अलग था। 1893 में ही वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। हालांकि भारत अब भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय थे। ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का ये जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता तथा गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और समाजसेवी लोग थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहां भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान ना देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, लेकिन उन्होंने वहां धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त मेहमानों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन आलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए आजादी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम किसानों को उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव
एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की बजाय लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के एक सबसे बड़े हिस्से के निर्माण के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। एक तरह से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। दरअसल ये पहला मौका था जब गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व करने की मंशा जाहिर की। उसी वर्ष के अंतिम महीने में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।